क्या बात है यार भाई, कमाल किया यार, बहुत ये होती है, ये तो दुनिया देख रही है ना। 170 रन यार श्रीलंका ने लगा दिए हैं। और आज माय 11 सर्कल में भानुका मेरे टीम में थे सर, सबसे ज्यादा पॉइंट। यार अपनी बात करी जा रहे हो, अब मेरा तो पूछो, मर्सिडीज तो मैंने लेके जाई। अच्छा सर आप बता दो अपनी। मेरी टीम में नसीम शाह भी है। अच्छा। और मेरी टीम में भानुका भी है, और मेरी टीम में हसरंगा भी है। हसरंगा मेरे कप्तान है। अच्छा। अभी उन्होंने आगे 3 विकेटें भी लेनी है। फिर तो सर आप जीत गए। रॉफ भी थे मेरी टीम में। नहीं अभी जीता नहीं हसरंगा मेरी टीम में। पाकिस्तान जीता नहीं है। पाकिस्तान ने शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त की, 5 विकेटें भी ले ली, लेकिन आज श्रीलंका ने और पाकिस्तान दोनों ने ना दोनों ने दिखाया कि भाई क्रिकेट ये है T20 मजेदार। पहले उन्होंने 5 आउट कर दिए, फिर वो चल एंड तक जाते हैं, जो हमारे कहते हैं एंड तक जाते हैं यार, जाते हैं। उसने कहा भी ऐसा है, हम हारी गए, डूब तो चुके हैं, हिम्मत दिखाइए, चलो मारो हसरंगा। और उसने 58 रनों की पार्टनरशिप है सर, वो 6 ओवर में, 6 ओवर में रन, 6 ओवर में 5 विकेटें गिरी हुई है। एंड उसके बाद क्या कमबैक है लास्ट 2 बॉल में यार, राजपक्षा ने नॉकआउट छक्का दे दिया, अचीव करना मतलब बड़ा बड़ा स्कोर। आज किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी की बल्लेबाजी होगी। तो आज हमारे साथ खास मेहमान है हिमांशु शर्मा जी, इनका भी बता दीजिए, ये वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं जी, और ये 2 वर्ल्ड कप की नाकाम नहीं, एक वर्ल्ड कप की नाकामी का हिस्सा थे। हाँ। वो जो ट्रक आया था 19 उस हाँ। वो ट्रक में ये भी कुछ ले गए थे 19 सेमीफाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ। जिसमें हमने कहा था जीतेंगे भी जीतेंगे, और फाइनल में पाकिस्तान से हार, जो पाकिस्तान ने फिर हमारा मतलब उसके बाद जो भागे हैं वहां से, रिकॉर्ड देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टिकट करवाई जाएगी ना, करवाई जाए कहते ना, थर्ड टाइम लकी। लेकिन तो वर्ल्ड कप लेके आना हमने, वो मिलते हैं वहां पे मिनिएचर मिलते हैं। मैं बड़े एक्चुअल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जो इंडिया लेके आएगी। वाह क्या बात है यार, ये फैन बोल रहे हैं ना सर। नहीं ये फैन भी है, बट ये के मन में है मतलब सिहाफी भी है ना, ये समझते हैं। हाँ। ये समझ रहे हैं कि इससे बुरा नहीं हो सकता। नहीं लेकिन मैच के बारे में बताएं, नसीम शाह देखिए उस लड़के ने क्या बॉल डाला है, पहले ओवर में तो डंडे मारा है और एंड में रन खा के वो 4 में 40 हो गए। हसनैन को 4 में 41 है, हैरिस रॉफ की 3 विकेट है, 4 में 29, शादाब 4 28 1, इफ्तिखार से बॉल डलवाया आज बाबर ने 3 में 21 एक और मोहम्मद नवाज से 1 ही ओवर करवाया 1 में 3, लेकिन 170 रन लगाए हैं श्रीलंका ने। हालांकि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान चेज करेगा, बट दोस्तों ये फाइनल है, फाइनल में चेज करते वक्त 171 आसान नहीं, प्रेशर टॉस से मैच हारा जीता जाता है, लेकिन भाई आपको अब खेलना होगा 20 ओवर अगर पाकिस्तान ने जीता है 171, जो कि आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल सर मैं बता दूं श्रीलंका के लिए कैसी बैटिंग किसने की है। शुरुआत के 6 बल्लेबाजों में 4 दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, ओपनिंग बहुत ही खराब ओपनिंग रही। निशंका ने 8 बनाए, कुशल मेंडिस को पहली ओवर दूसरी बॉल पे बोल्ड की, तीसरी बॉल में बोल्ड किया था, डिसलवा ने 28 बनाए, गुरा तिलके का सिर्फ 1 रन है, लेकिन वहां से सर भानुका राजपक्षे पूरा मैच बदल दिया, और जो लास्ट 2 बॉल पे 2 छक्के थे वो तो फिर मनमोहक किस्म कह सकते हैं। शादाब ने पहले कैच जोड़ा, घुस गए, लेकिन ये पाकिस्तान भी क्या है कि इनके हर मैच में इनके 2 प्लेयर्स कॉलाइड करते ही करते कॉल नहीं करते ना, ये टोटका है, ये टोटका है, ये हर मैच राशिका सिंपल क्रिकेट होती है। फिर वही बात, जब बॉल हवा में जाएगी तो सबसे पहला उसूल होता है, एक फील्डर बोलता है यस माइन ओके, 3 लफ्ज बोलने, वो पता नहीं क्यों एक दूसरे पर टक्कर मार लेते हैं, दिखते ही नहीं। और शादाब को तो 2 बार बॉल लगी, एक तो वो थ्रो पीछे करते सिर में लगी, और ये वाला ये तो बहुत ज्यादा लगी बॉल, और इस कैच से पहले भी सर उन्होंने कैच छोड़ा था उससे एक बार पहले, वो वही बात ऊपर चल रही थी कि बाबर होते तो शायद कैच हो जाता। ये ऊंचे कैच मतलब मैंने देखा है अक्सर ये नहीं ले पाते। पाकिस्तान ने हॉस्टाइल बॉलिंग की है, उन्होंने जबरदस्त फास्ट बॉलिंग की है, लेकिन श्रीलंका ने डट के मुकाबला किया है। अब बताइए बता रहे कप्तान थनाका जो मेरे भी कप्तान थे, आज वो कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 2 रन बना पाए, लेकिन वहां पे वारेंदु हसरंगा इस बार सर बैट के साथ कमाल दिखा गए, और आपकी टीम में भी है, अभी तो उनकी गेंदबाजी बाकी है, अभी कप्तान है। तो हसरंगा ने यहां पे सर 35 बनाए सिर्फ 21 गेंदों में, 5 चौके 1 छक्के, 171 का स्ट्राइक रेट था इनका आज। इसके अलावा आखिरी क्षणों में आके सी करुणा रत्न, इन्होंने 14 बनाए 14 में 1 छक्के के साथ, तो ये इनका पूरा का पूरा बैटिंग कार्ड है। 71 राजपक्षे, 38 हसरंगा, सर ये 38 ना बोनस है बैटिंग में, पूरे के पूरे बोनस है। और आखिरी के 20 में इनके लिए माइंड ब्लोइंग प्लेयर सर 8.5 ओवर में इनका 6वां विकेट गिरा था 58 पे। आखिरी कुशल मेंडिस आउट हुए ना पहले, हाँ बावजूद उसके 5 आउट हो गए,
इवन देन दे गॉट टू 170. आई थिंक यही मैं पहले भी कह रहा था, दो बातें आज देखने को मिली है T20 में, और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की टीम हार गई तो बुरी हो गई, बट आई थिंक दे नीड टू पिक द थ्रेड्स. ए, आपको फास्ट बॉलिंग चाहिए विकेट लेने के लिए, अग्रेसिव फास्ट बॉलिंग चाहिए. आप डिबली डॉबली नहीं चलता है, आए टप्पे पे डाल दिया, आए लाइन लेंथ, ये वो नहीं चलता है, आपको शुरू में विकेट लेनी है. दूसरा, श्रीलंका ने क्या दिखाया? श्रीलंका कह रहा है अगर तुम शेर हो तो हम सवा शेर कैसे बन सकते हैं? हम ये नहीं कोशिश करेंगे यार पांच आउट हो गए, चल यार यहां सिंगल, चल यार यहां सिंगल, लास्ट तीन ओवर में मार लेंगे तीन छक्के और दुक्के भाग लेंगे. नहीं, उन्होंने वहीं से शुरू किया. उन्होंने थोड़ा, अब पाकिस्तान को उन्होंने हल्ला बोल किया पाकिस्तान पे, वो भी थोड़ा पैनिक किए, छटपटाए, तभी वो 170 भी बना गए. 170 ऐसे नहीं बन जाता. बिल्कुल, हाँ, फॉरन पे तो ऐसा लग रहा था कि 120-130 तक बनेगा. खामोश है आपकी टीम का. आखिर 11 ओवर में एक सौ, इनकी रणनीति समझ गया श्रीलंका की. क्या ये मेन प्लेयर ही भेजते पांच के बाद है. ये इनकी रणनीति है, ये भेजते हैं या तो ओपनर है या भेजते हैं पांच के बाद. आप देखिए, क्योंकि हसरंगा का सर अब आज की इनिंग, कई लोग सोचेंगे कि यार हसरंगा ने बीच में आके 30 लगा दिए. सच ये है कि हसरंगा बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं. अगर हम लास्ट ईयर वर्ल्ड कप भी देखें तो एक इंपॉर्टेंट नॉक में इन्होंने 70 रन बना दिए थे, और ओवर द टाइम इनकी बैटिंग देखी जाए तो ये श्रीलंका को एक खतरनाक टीम इसलिए भी बनाता है क्योंकि इनके पास नंबर 9 तक संभालने वाले प्लेयर हैं, संभालने वाले. दूसरी चीज सर, मुझे लगता है कि भानुका राजापक्षे, हम बात करते थे जब वो पंजाब में खेलते थे कि वैसे प्लेयर है 30-35 अच्छे बना देते हैं लेकिन उसके बाद वो टीम को फंसा के भी चले जाते हैं. आज उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई जो आने वाले समय में उन्हें बड़ा प्लेयर बनाएगी. देखो, लास्ट दो बॉल में चौका छक्का आ गया ना. हालांकि उस वक्त तक नसीम शाह ने आई थिंक तीन बॉल में, चार बॉल में कितने रन दिए थे? एक डॉट बॉल भी था उसमें, एक दुका, दो सिंगल शायद, ऐसे था. और लास्ट दो बॉल पे वो दो छक्के खा गए. तो वो मैटर करता है ना. अब पाकिस्तान का क्या आपको लगता है राशिका? पाकिस्तान का सर वही है कि अगर, क्योंकि बाबर आजम की रन तो आ नहीं रहे लेकिन रिजवान, जिनको हम कहते हैं कि उनकी बैकबोन वही है, रिजवान को श्रीलंका के दिमाग में भी वही होगा स्पेशली विद द टारगेट सामने कि आपको कितने रन बनाने टारगेट. और बाकी फखर जमान भी कोई अभी फिलहाल इतना बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा है मुझे, तो श्रीलंका के दिमाग में होगा कि यार अगर रिजवान को आपने निकाल लिया ना तो फिर आप इनको भी कोलैप्स करवा सकते हो. 15 रन गए आखिरी ओवर में सर, उससे पहले डॉट और चौका छक्का. और लास्ट में सर, इसमें पाकिस्तान की बैटिंग देखी जाए जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इनका मिडिल ऑर्डर क्या, इनका मिडिल ऑर्डर वैसा है कि शुरुआत 20 रन पे 3 विकेट गिरने के बाद बना सके, क्योंकि तेज तो बना सकते हैं जो कि हमने देखा कि कोई एक प्लेयर आएगा और छक्के लगा देगा दो तीन. अफगानिस्तान के खिलाफ भी ऐसे था कि ऐसा था शुरू में मिडिल ऑर्डर इनका कोलैप्स बहुत करता है इनके यहाँ पे, मिडिल ऑर्डर पूरा मैच निकाल के लेगा. बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में विकेट झटक लेती है श्रीलंका, और इनके पास ताकत है, इनके पास बॉलिंग लाइनअप मैं कहूंगा बैटिंग से ज्यादा मजबूत इनकी बॉलिंग, इनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, हसरंगा और बॉलिंग अच्छी, और आज तो हमने विकेट टेकिंग है, और आज तो हमने सर माई इलेवन सर्कल में हारिस रऊफ, भानुका राजापक्षे को रिकमेंड किया था अपनी टीम में लेने के लिए. कमाल करते हैं, आज थार जीतने वाले बहुत. लेकिन एक बात है, अभी तक अगर आप वक्फे पे देखें, ये कहना मुश्किल है कि टीम आगे कौन सी है. फाइनल है तो फाइनल ही किस तरह के खेल रहे हैं. बिल्कुल सर, भाई वो गिर गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए भागना लगे. पाकिस्तान भी जानता है कि 171